ट्रांजिस्टर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक्स थे जो कि अब हम देखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो ये है एन और ये है बेस पी और ये है मेरा एन। मुझे लगता है थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से नजर आए। सो एनपीएन यानी कि पहला रीजन में होंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजर चार्ज कैरियर, उसके बाद होंगी पॉजिटिव होल्स, उसके बाद अगेन होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ एन पी एन। ओके, सो एन पी एन ट्रांजिस्टर है। सो यहाँ पर मेजर कैरियर्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। मेजर कैरियर्स क्या है, पॉजिटिव होल्स। मेजर कैरियर क्या है, नेगेटिव चार्ज। बट डिप्लीशन रीजन अगेन फॉर्म हो जाएगा तो थोड़ी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ अरेन्ज हो जाएंगी जैसे हमेशा होता है, सॉरी पॉजिटिव यहाँ आ जाएगी और थोड़ी नेगेटिव वहां चली जाएंगी। जंक्शन तो फॉर्म होता ही है हमेशा, क्योंकि वो तो नेचुरल अफिनिटी है, चार्जेस नजदीक लाएंगे तो मिक्सअप होना ही है। तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव मोड जिसमें इसे कन्वर्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस में यानी कि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव को, और यहाँ पर है बेस करंट और यहाँ से है फॉरवर्ड बायस यानी रिवर्स बायस यानी कि ऐसा कुछ सिचुएशन। तो वर्किंग अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होता है, नेगेटिव फॉरवर्ड बायस है ये और ये है रिवर्स बायस। इस जंक्शन का नाम है G1, इस जंक्शन का नाम है G2। फॉरवर्ड बायस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इनको रिपेल करेंगे। अब रिपेल होके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तो होल्स प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन होगा और बहुत सारा करंट निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सपोज प्रेजेंट है 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर होल्स प्रेजेंट है सिर्फ 1000, समझ में आ रहा है। तो होल्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ पर, देखो ना इसकी साइज पतली है काफी और डोपिंग भी इसमें लाइटली डोप है और ये हैवीली डोप्ड है। तो होता क्या है, सिर्फ 1000 इलेक्ट्रॉन भी एक्चुअली नहीं होते हैं, सपोज 500 इलेक्ट्रॉन होंगे 5%। तो 500 इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्लो होते हैं और यहाँ पर एकदम छोटा करंट आता है, बहुत ही ज्यादा करंट जिसको हम कहते हैं आईबी। आईबी करंट क्या होता है, बहुत बहुत छोटा, क्योंकि होल्स ही नहीं है तो करंट कहां से आएगा, समझ में आ रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर आकर पहुंचे, यहाँ पर अब काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आकर पहुंचे तो अब यहाँ पर नेगेटिव है तो अगेन रिपेल कर करके यहाँ से फ्लो हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो मेजोरिटी करंट है जो 9500 इलेक्ट्रॉन से मिला वो कहाँ मिलेगा, आईसी से मिलेगा, समझ में आ रहा है। सो समझो मैंने बीटा को चेंज किया, बी को चेंज किया यानी कि मैंने इसमें चेंजेस लाई, इसका 500 था तो इसमें बढ़ा है, तो देखो फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दिए तो ये बढ़ जाएगा ये कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सो आईबी और आईसी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आईसी और आईबी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यही यूज होगा आगे वाले चैप्टर में, आगे के सारे पार्ट में। और आईबी करंट काफी छोटा है और आईसी करंट काफी बड़ा है। सो जो गेन होता है इसमें एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा, वो क्या हो जाता है, आईसी अपॉन में आईबी, क्योंकि आपस में डिपेंडेंट है तो कोई एक फॉर्मूला या रिलेशन तो होना चाहिए। तो बेसिकली हम आईसी को क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आईबी। और ये सब क्या है, बेस करंट और ये सब। तो वर्किंग मुझे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही है। सो अब जो टोटल करंट था जो यहां से निकला आईई, जो करंट निकला, सो अब आईई करंट किस पार्ट में स्प्लिट हुआ, एक गया बेस करंट में और दूसरा गया कलेक्टर करंट में, ठीक है। सो फर्दर हम क्या कर सकते हैं इसमें, ट्रांजिस्टर कौन सा सेक्शन है आपको, ठीक है। सो बस जैसे अभी हमने ये वाला डिफाइन किया आईसी बाय आईबी, सो अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा दूसरा एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होगा अल्फा। अब अल्फा क्या बताएगा, आईसी बाय आईई। ये सब क्या है, बेसिकली एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स हैं। एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब कंपैरिजन हैं कि यहां से करंट, अब देखो ये किस में कंपैरिजन है, इस करंट और इस करंट में। अल्फा किस में कंपैरिजन है, इसमें और इसमें। बट देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है आईसी, क्योंकि ओरिजिनली जो मैक्सिमम आउटपुट करंट है वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ आईसी से ही मिलता है। सो ये हमारी अब करंट सिचुएशन हो गई है।
सो अब हमें कुछ करनी पड़ेगी, चेंजेस लानी पड़ेंगी। अब ये देखो, ये दोनों चीजें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अच्छे से। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, सो क्या मिलेगा हमें, हम देखते हैं। और कुछ यहाँ पर मेंशन किया है क्या आपके छोटे से बुक में? नहीं, बस और कुछ नहीं मेंशन किया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी एक ओशन है, अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लिमिटेड लिमिटेड ही एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आईसी हर जगह है ही है, सो मैं डिवाइड कर देता हूँ बाय आईसी से, तो मुझे मिलेगा आईई डिवाइड बाय आईसी, और इक्वल में मिलेगा आईबी डिवाइडेड बाय आईसी +1 मिलेगा, ठीक है। सो आईई बाय आईसी ये है अल्फा, तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, इनवर्स ले लूं, तो मुझे यहाँ मिलेगा 1/अल्फा, यहाँ मिलेगा 1/बीटा +1 मिलेगा। सो इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी अल्फा के फॉर्म में और बीटा के फॉर्म में। अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1/अल्फा हो जाएगा 1+बीटा बाय बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अल्फा टाइम्स 1+बीटा। सो ये अलग है, ये अलग है। अब बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, अगर एक ही साइड हम एक चीज को कर सकते हैं, तो यहां से अगर अल्फा निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा बीटा अपॉन 1+बीटा। ये हो सकती है एक फॉर्मूला। अगर मुझे बीटा निकालना है तो मुझे अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब बीटा को इस यहाँ भेजूं तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा। सो बीटा कॉमन, 1-अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1-अल्फा, ये मिलेगी एक फॉर्मूला, और ये मिलेगी हमें दूसरी फॉर्मूला। सो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, सो बस ऐसी ही सिचुएशन गिवन है, दैट्स इट। बस यही है बेसिक वर्किंग, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, अगेन वैसे ही रहेंगे। आप थोड़ा सा सोच तो लीजिए ही, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं आपको पता है, रिवर्स बायस है थोड़ा सा अलग होगा, ये चीज का काफी यूज होगा। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।